मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। प्रदेश की सियासत का सेंटर माने जाने वाली लोकसभा सीट में दौसा लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें हैं। चाकसू, थानागाजी, बांदीकुई, महुआ, सीकरी, दौसा और लालसू। दौसा लोकसभा सीट अब मोस्ट वांटेड सीट बन चुकी है। एक तरफ मौजूदा सांसद जसकोर मीणा है, वो उनकी खुद की सीट खतरे में है, लेकिन फिर भी बयानबाजी पीछे नहीं हट रही है। जसकोर कभी किरोड़ी मीणा को तेवर दिखाती है तो कभी चुनावी मूड में नजर आती है। अब बात करें लोकसभा चुनाव में कि इस बार दौसा का चुनावी हाल आखिरकार क्या रहने वाला है, तो इस बार लोकसभा किस किस के चांसेस ज़्यादा हैं चुनाव लड़ने के, उनकी अगर हम बात करें तो जसकोर मीणा फिलहाल सांसद हैं, लेकिन इस बार अगर भाजपा उनको टिकट देती है तो जसकोर का जीतना फिर भी मुश्किल होगा, क्योंकि उनके कार्यों का फीडबैक कुछ खास रहा नहीं है। तो अब उनकी बेटी अर्चना मीणा भी सांसद की रेस में सामने आ रही है। जसकोर अपनी बेटी अर्चना मीणा को टिकट दिलवाने की फिराक में है। सूत्रों की माने तो किरोड़ी मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलवाने की फिराक में है। दोनों ही भाजपा के नेता हैं, जसकोर और किरोड़ी लाल मीणा। अब मसला यहाँ अटकता है कि पार्टी में किसकी चल पाती है। भाजपा को किसी भी हालत में हर एक सीट पर जीत हासिल करनी है, ऐसे में बीजेपी रिस्क लेने के मूड में कम है। और वैसे दौसा लोकसभा कांग्रेस का गढ़ रही है। दौसा से राजेश पायलट 5 बार सांसद रहे हैं, गुजरों पर अच्छा खासा दबदबा रहा है। दौसा में मीणा और गुजर जाति बाहुल्य है और निर्णायक स्थिति में भी यही मानी जाती है। अब इन दोनों जातियों पर पकड़ बनानी होगी अगर जीत हासिल करनी है तो। यहाँ से कांग्रेस में किसी मीणा को टिकट दे सकती है कांग्रेस, लेकिन यहाँ किसको टिकट देना है सचिन पायलट के हाथों में है, क्योंकि सचिन पायलट का दबदबा दौसा में ज़्यादा है। तीसरे कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। नरेश मीणा कांग्रेस से विधायक के लिए बहुत बार टिकट मांग चुके हैं, लेकिन इस बार वे निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, वो भी दौसा से। लेकिन जीत कर आना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। बहरहाल अभी भाजपा दौसा में अपने ही दो नेताओं की आपसी फूट में डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा भाजपा को, उसके बाद भाजपा का रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन ये कहना जितना आसान है उतना करना मुश्किल है कि अभी किरोड़ी बाबा को मनाना होगा या जसकोर को साइडलाइन करना होगा। अब देखना ये होगा कि भाजपा बीच का रास्ता क्या निकालती है। क्या जसकोर मीणा को साइडलाइन किया जाएगा या फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की ही चलेगी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ, मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।